भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही नामी गिनामी जो राजनीति में सक्रिय, जो सामाजिक कामों में सक्रिय ऐसे कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हमारे बीच में सुंदरवानी से श्रीमान राजेंद्र शर्मा जी, जो कि पुराने काउंसलर रहे हैं, श्रीमान अशोक कुमार जी जो पंचायतों में सक्रिय है, जिनकी भूमिका रही है, और श्री सुरजीत जी जो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये बहुत एक ऐतिहासिक, भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक पल है, क्षण है कि समाज के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल प्रबुद्ध जन, जिनका राजनीतिक क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा अनुभव है, ऐसे राजेंद्र शर्मा जी, जिनको प्यार से हम शाह जी भी बोलते हैं, और उनका एक बहुत, उनके परिवार का, उनका इतिहास रहा है देश के लिए सेवा कार्यों में काम करने का। और हालांकि ये हमारे उस बॉर्डर बेल्ट के अंदर हमेशा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, और आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, और इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता जो सुंदरवानी और इसके आस पड़ोस के क्षेत्रों से आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों से इन सभी नए सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ, दिल की गहराइयों से इनका वेलकम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये अपने परिश्रम, अपनी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को और विस्तार करेंगे। इंद्र शर्मा जी, अशोक जी और सुरजीत जी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, और इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सब पार्टियों से अच्छी विचारधारा, और नरेंद्र भाई मोदी की जो विचारधारा है, मैं उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपका पार्टी में पूरा मान सम्मान होगा, और कंधे से कंधे मिलाकर हम भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाएंगे, और हम इन सबका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। मैंने जो ये पार्टी का दामन थामा है उनकी नीतियों से, और साथ रविंदर रैना जी और हमारे जुगल किशोर जी एमपी साहब जो ये काम कर रहे हैं, हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने इनको देख के, इनसे प्रेरणा लेके बीजेपी में आया हूं, और मैं ये विश्वास दिला रहा हूं आपको, मैंने पहले भी बोला है, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि बीजेपी में मेरा आना, ये जितनी सुंदर बनेगी क्रीम है सारी, सब बड़े लोग जितने भी वहाँ पे बिजनेसमैन है, ट्रांसपोर्टर है, सभी साथ इसीलिए आए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शहरी नगर निगम के चुनाव हों, भारतीय जनता पार्टी तैयार है पंचायतों के चुनाव हों, हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों खित्तों में लड़ेंगे और जीतेंगे। हम जम्मू का भी मेयर बनाएंगे, और इस बार श्रीनगर का भी मेयर बीजेपी का ही होगा। सिटी प्रेसिडेंट रजिंदर गुप्ता, आज हमें बहुत खुशी हुई जो रजिंदर शर्मा जी हमारे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, बहुत उमंग है, उनके आने से हमारी जो सुंदरबनी की म्यूनसिपैलिटी है बहुत मजबूत होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके आने से 13 की 13 जो वार्डे हैं हम जीतेंगे, और जो चेयरमैन है वो बीजेपी का होगा। जय हिंद।